ऑलराइट, तो आप सभी का स्वागत है एल्डन रिंग पार्ट नंबर 19 के अंदर। ऑलराइट, तो हम कोशिश करेंगे काफ़ी चीज़ें करने की इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले है, मैं तुम्हें बता दूं, मैं थोड़ी बहुत रूनस फार्म की थी, 20,000 अराउंड 21,000 रूनस, और इससे हम इस नोमैडिक मर्चेंट को कंगाल बनाने वाले हैं। ऑलरेडी हमने इसको इसको नहीं, ये हमने इससे ऑलरेडी सब कुछ खरीद लिया है, अब बस यही बचा है एक, इससे भी सब कुछ खरीद लेते हैं ताकि इसके पास अब कुछ नहीं बचेगा बेचने के लिए। तो यार, और उसके बाद मैं तुम्हें थोड़ा बहुत और बता देता हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ लेना भूल गया था, वो लेंगे हम। और उसके बाद हम जाएंगे इस एरिया के अंदर, फिर जाएंगे हम इधर सेंडिंग गेट, उसके बाद हम जाएंगे अराउंड इस एरिया में, बस फिलहाल तो इतना ही। उसके बाद अगर टाइम मिला तो हम इसकी क्वेस्ट करेंगे। तो यार, अब शुरू करते हैं बिना किसी गड़बड़ के। ऑलराइट, और इसी के साथ हमने मर्चेंट से सब कुछ खरीद लिया है। हमारे पास अभी अराउंड 1600 रूनस है, तो इसको भी इस्तेमाल कर ही लेते हैं। एरोज एंड बोल्ट्स एक बार चेक कर लेते हैं इन्वेंट्री के अंदर। एरोज हम खरीद सकते हैं। ओके, सो 17 Ah, बोल्ट्स, how nicely's. बाकी एरोस खरीदेंगे। ऑल राइट, बढ़िया। ओके, अब चलते इस जगह पे। अब जो आइटम मैं भूल गया लेना वो थी इस ब्रिज को क्रॉस करके, ये जो हमारा रून है बिल्डिंग का, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। अब इधर जाएंगे, और यहाँ पे एक सिमेट्री है, यहाँ से लेते हैं सामान। गोल्डन रून 6, गोल्डन रून 1, गोल्डन रून 2, गोल्डन रून 1, गोल्डन रून 4, गोल्डन रून 1, गोल्डन रून 4, फेवर्स कुकबुक। यहाँ पे हमारी अच्छी हॉल हुई है, हमने काफी सामान मिला है हमें, स्पेशली गोल्ड रूल्स एंड फेवर्स कुकबुक। एक बार चेक कर ले तो, और कुछ तो नहीं है यहाँ पे।
यहाँ से तो हम यहाँ ऊपर चढ़ेंगे। हाँ ठीक है, हाथ कहती इस एरिया को भी देखते हैं। स्मिथिंग स्टोन 2 मिला है हमें। यहाँ पे रून बियर और वुल्फ्स आपस में लड़ रहे हैं और हमें बस भागना चाहिए यहाँ से। अरे ये शील्ड कहाँ गई हमारी? इक्विपमेंट में शील्ड ये रही। ओ हमने गलती से गलत जगह डाल दिया इक्विपमेंट में। ऑल राइट, यहाँ पे रून बियर लड़ रहा है। बीस्ट ब्लड, थिन बीस्ट बोन्स, लंप ऑफ फ्लैश, कलर के साथ साथ तो इसमें एश ऑफ और है। सेक्रेट ब्लेड, बढ़िया। अब हमें चलना चाहिए इस जगह पे। ओके यहाँ से चलेंगे उस साइड पे। यहाँ पे एक सैक्रिफाइशियल ट्विग होनी चाहिए जो हमारी रह गई। इसकी जगह कई और है क्या कुछ? या तो मैंने गलत रिसर्च की है। इधर तो नहीं है, आगे और कोई सिमेट्री है क्या? ओके मेरे हिसाब से मैंने गलत रिसर्च की है। वैसे तो उसमें लिखा था कि सैक्रिफाइशियल गाइड में लिखा था सैक्रिफाइशियल ट्विग मिलेगी हमें सिमेट्री के अंदर। जो सिमेट्री वो सामने थी जो हम ऑलरेडी रेड कर चुके हैं, और उधर सैक्रिफाइशियल ट्विग नहीं है। वैसे भी सैक्रिफाइशियल ट्विग इतनी इंपॉर्टेंट आइटम नहीं है अभी के लिए, और हमारे पास ऑलरेडी एक सैक्रिफाइशियल ट्विग है तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ओ
ऑल राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी, ना भी हो। रिसर्च थोड़ी सी गलत हो गई बस, कोई बात नहीं। ओके, अब हम चलेंगे चर्च ऑफ एले में। यहां से बाहर चलते हैं। सीधा बात ही करते हैं, क्या पता हो उस पे। It's always a pleasure. All right, इस पे ऐसा कुछ है नहीं। हाँ ये देखो, अबाउट द हाउलिंग इन मिस्टवुड। द हाउल ऑफ अ वुल्फ इन द मिस्टवुड। आई सपोज ही मस्ट स्टिल बी स्कल्किंग अबाउट। आई नो, व्हाई नॉट मीट हिम फॉर योरसेल्फ। नेक्स्ट टाइम यू हियर द वुल्फ्स हाउल, मेक दिस सिग्नल राइट अंडर द सोर्स। Oh, don't fret. There is nothing to fear. I just have an inkling the two of you might hit it off. Goodbye. All right, अब जहाँ पे वो उस जगह पे जिधर ये वुल्फ हाफ वुल्फ है बेसिकली, अब दिखाता हूँ तुम्हें ये। इधर हमें ये एक्शन करना है, गेस्चर करना है, तो गेस्चर स्विच करते हैं अभी जो हमें मिला है उससे। कहाँ है? फिंगर स्नैप था। ये रहा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे वैसे बीच में कहीं साइड ऑफ ग्रेस होनी चाहिए। ओके, डरा दिया था इसने। ओके, अब एक्शन करते हैं। हो सके तो यहीं पे काम हो जाए तो बढ़िया है। हम नहीं चाहते रूनिक भी ऐसे लड़े, तो वहां पर है। राइट अंडर दिस सोर्स, तो यहाँ पे आ गया। ये रहा। Who goes there? Carly sent you, did he? Ever the bloody busybody. Maybe to him you don't seem so strange. The name's Blythe. I'm looking for a man who goes by Darrowell. He fled somewhere nearby. Or so I've heard. Come tell me if you find him before I do. I can offer you ample reward. All right. अब ये डेरिविल को ढूंढना है। अब मैं तुम्हें एक बड़ी ऐसी चीज बताता हूँ। ये
फॉरलॉर्न हाउंड एवरगोल के अंदर जिस चीज को हमने हराया था, जिस समय तलवार मिली थी, वो था ब्लड हाउंड नाइट डेरेविल। तो हम ऑलरेडी इसको हरा चुके हैं, क्या पता अभी देखते कर सकते कि नहीं, या दोबारा से घूम के आना पड़ेगा। Darrowell is nothing but a traitor and in need of a fitting end to his tale. Darrowell and in need of a Darrowell is nothing but a traitor and in need of a fitting end to his tale. ठीक है, हमें दोबारा से आना पड़ेगा घूम के। अगर अभी भी नहीं हुआ तो फिर हम जाएंगे दोबारा इस एरिया के अंदर, एक बार यहाँ पे घूम के आ जाएंगे, क्या पता उससे हो जाए। पता नहीं कुछ गेम के ट्रिगर्स कैसे होते हैं। ओके, डेरेविल नहीं, सॉरी, ये बंदा यहाँ पे नहीं है। ओ, वो आइकन जा चुका है, इसका मतलब है वो शायद राउंड टेबल होल्ड में होगा। वहाँ ट्राई करते हैं। What is it? The map indicate will lead you to... यहाँ पे नहीं है तो कहाँ पर है? इस साइड ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ तो थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कहाँ पर है। मेरे हिसाब से तो यही होगा, मैप में तो कहीं नहीं है। मैप में एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ नहीं है, 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 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। होना तो फिर इधर ही चाहिए। पता नहीं कहाँ गया। कोई बात नहीं, अब अगला काम करते हैं। ये आर्टिस्ट शेक के पास चलते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने सुना एक स्कैरब है।
पता नहीं कहां पर है, सुना था मैंने। खैर बाद में देखेंगे स्कैरब को, और अब यहां चलते हैं। यहाँ कुछ है, ओ पोर्टल, हमें पोर्टल मिला एक। कहाँ पर आए हैं? ओके यहाँ कई एरिया में आए हैं। ओ ये एक एनिमी है, छुपते हुए चलो भाई। ठीक है अब शायद ये बंदा है, ओके शायद इसको देके कुछ होगा। ओके हमें काफी चीजें मिली। ओके ये आई और क्लॉ वगैरह कुछ भी दे सकता है। अभी हमें मिला क्या? ये रहा बीस्ट आई सेट टू ट्रेम्बल व्हेन क्लोज टू डेथ रूट। ओके एक हमें ये मिला क्लॉ मार्क सील। अब दूसरा देखना मुझे याद नहीं तीसरी चीज क्या मिली। कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे। बाद में देख लेंगे
ऑलराइट, अब चलते हैं इस जगह पे, देखते क्या पता हमें इस जगह पे जाके ही कुछ फायदा हो जाए। ओ, यहीं पर है। Right. There you are. Had to work for it, but it's done. Don't say I'm not a man of my word. Here's your prize. Oh yes. I should say. If you venture north to Rhea Lucaria and come across a venerable blacksmith who's a little on the large side, tell him I sent you, and he'll be sure to treat you right. I owe you one, I reckon. That's enough chit-chat for now. It's time we parted ways. ठीक है, कि इसी के साथ इस टाइम पे प्लेड दी हाफ वुल्फ कि अभी के लिए स्टोरी लाइन यहीं पे ख़त्म होती है, आगे चल के आएगा वो, लेकिन अभी का इतना हो गया। उसके बाद अब हम क्या करना है, अब हमें ठीक है वो ढूंढते जो हमने स्कैरब ढूंढने की कोशिश की थी, और शेक पे आर्टिस्ट शेक। मैंने एक मिनट लोकेशन खोल लिया, तो फिर अब वेस्ट की तरफ। हमें जाना है वेस्ट की तरफ, ईस्ट एंड वेस्ट लिंग्रेव के बॉर्डर पे, एंड हमें यहाँ से इस तरफ आगे बढ़ते चले जाना है। तो ऐसा कुछ ट्राई करते हैं। ये रहा, ओके, ये वाला फटा। वो तो अच्छे, हमने घोड़े पे थे हम तो बच गए। इसी के साथ ये स्कैरब भी हुआ पूरा। अब हमारे पास जो ईस्ट लिमग्रेव के अंदर सारे स्कैरब्स हो चुके हैं, और कोई स्कैरब नहीं है इम्पोर्टेंट वाला, जो आपके क्रिम्सन फ्लास्क को अपग्रेड करने वाले तो बहुत सारे हैं। उसके बाद हम एलेक्सेंडर से मिलते हैं। एलेक्सेंडर से बातचीत कर सकते हैं, और एक फोर्ट हेट से को हमें कॉन्कर करना है। एक तो ये एरिया है, ये हम अगले वीडियो में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। उसके अलावा एक एलेक्सेंडर से बातचीत कर सकते हैं। एलेक्सेंडर हमें कहाँ मिलेगा? एलेक्सेंडर हमें करीब इस एरिया में मिलेगा, तो यहाँ पे चलते हैं। उसके अलावा तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ बड़ा कर लिया है इस लिमग्रेव के अंदर। अब मैं तुम्हें बता दूँ, इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली एलेक्सेंडर से बातचीत वगैरह करेंगे। एलेक्सेंडर आयरन दी आयरन फिस्ट से बातचीत करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में ये फोर्ट हेट को हम वो करेंगे, हैमर
फोर्ट हाइट को हम वो करेंगे, कॉन्कर करेंगे, और यहाँ पे जो एनपीसी है केनिथ हाइट, इससे बातचीत करेंगे, और उसकी अगली वीडियो के अंदर फाइनली लेगेसी डंजियन कॉन्कर करेंगे। अगर हमें फोर्ट हाइट से लड़ने के फोर्ट हाइट कॉन्कर करने का टाइम मिला तो हम सीधा मगेट दी फेलोमन से यहाँ पे लड़ाई करेंगे, और उसके बाद अगली वीडियो से हम कॉन्कर करना शुरू करेंगे लेगेसी डंजियन स्टॉमवे कैसर को। तो यार अब शुरू करते हैं, और मेनली अब शुरू क्या करना, ऑलरेडी काफ़ी टाइम से शुरू ही कर चुके हैं। अलेक्सेंडर से मिलते हैं। उसके बाद मैं एक बार पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करके रखूँगा पूरे ईस्लिम ग्रेव को, और कोई भी अच्छी चीज़ या फिर कुछ कलेक्ट करने का मिला तो वो मैं मार्क कर दूंगा, जैसे कि लास्ट टाइम वेस्ट स्लिम ग्रिफ में किया था, और फिर उसको एक साथ ही सारा का सारा कर लेंगे कंप्लीट। कूदते हैं। ओ ये क्या है, यहाँ कुछ तो है, शायद से अलेक्जेंडर इधर ही मिलेगा हमें। गेल टनल, ओके वो रहे अलेक्जेंडर। स्मिथिंग स्टोन नंबर 4, ये तो बहुत ही रेयर है। यहाँ पे कुछ और तो नहीं है ना, लगता तो नहीं, लगता है हमें एक एनिमी से लड़ना पड़ेगा। तैयारी करके चलते हैं। I hadn't expected to see your face again. Are you heading to the Festival of Combat too? No need to be coy with me. Judging by the fine wallop you gave the old backside earlier, I would venture you're something of a warrior yourself. The mere thought of such a festival gets the blood pumping, eh? Now, according to my calculations, passing through this road should lead us to the Caelid Wilds. But, however you slice it, it seems we've reached a dead end. I'm sorry to have raised your hopes. It seems my calculations must have been off. I was created to be a warrior vessel. Many great warriors reside within me, ever dreaming of becoming a great champion. It's my destiny, and the reason for which I quest. It is my ordeal, you could say. To test myself, to better myself, to fell ever greater foes. And then, one day, we'll be a single great champion. The greatest of them all. What do you think, eh? How do you rate my chances? I was cre- many. It's my death. It is my. And then, what do you think, eh? ओके शायद से हमें यहाँ पे एक बॉस बैटल करनी पड़ेगी, उसके बाद शायद से इसके लिए रास्ता खुल जाएगा और एक कैलिड जा पाएगा। ये देखो यहाँ से ये कोई रास्ता निकलेगा, ये कैलिड वाइल्ड से आपका सारा एरिया, ये रहा गेल टनल, और यहाँ से आप ये आपका कैलिड वाइल्ड खुल जाता है एरिया। वैसे तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हो लेकिन इसकी मदद करनी तो पड़ेगी। चलो चलते आगे। इस साइड से ओपन नहीं होगा तो हमें कहीं और से ओपन करना पड़ेगा। कुछ तो तरीका होगा।
शायद से ही हम बैक साइड में इस टाइम पे, और दूसरी साइड पे जाके हम एक डंजियन में आ जाएंगे, और जो मुझे लग रहा है, और डंजियन को क्रॉस करने के बाद हम ये गेट खोल सकते हैं एलेक्सेंडर के लिए। चलो कोशिश करते हैं। हमारे पास इस टाइम पे 25 मिनट्स हैं। जिसको नहीं पता, PS5 में 1 आवर की लिमिट होती है अगर आप मैक्सिमम सेटिंग्स पे रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो। इस साइड ये क्या हुआ? वाट लगा दी थी इसने तो। शायद से डंजन ऊपर है। ये देखो, यहाँ कोई डंजन नहीं है, हमें दूसरी से ऊपर जाना पड़ेगा और उधर से खोलना पड़ेगा गेट। ये क्या है? ओके, वहां पे एक साइट ऑफ ग्रेस है। मेरे ख्याल से ये एक बॉर्डर है। इस साइड कैलिड है और उस साइड लिमग्रेव है। यहां से शायद हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। फक, ये सब हम बाद में करेंगे, सबसे पहले तो ऊपर चढ़ के देखते हैं। कहीं यहाँ पे तो रास्ता नहीं है, जा तो सही रास्ते में, सही जगह रहे। इस साइड शायद इस जगह पे नीचे। सही में जमीन आसमान का फर्क है लिमग्रेव और इस एरिया के अंदर। Thank you.
All right. शायद यहाँ पे मिलेगा हमें रास्ता, और हमें मिल गया। हमारे पास 20 मिनट है इस डंजन को पूरा करने के लिए। काफी डिफिकल्ट एनिमल्स हैं। अरे लॉर्ड स्वॉन्स के सोल्जर्स है जो मुझे लिटरली नहीं लगा था होगा ऐसा कुछ। ओके सोम्बा स्मिटिंग स्टोन। जा तो हम सही जगह पे रहे हैं। अब एक बार रेस्ट कर लेते हैं। ओके अब आगे बढ़ते हैं। हमें स्मिथिंग स्टोन मिला, गोल्डन रून 5। सबकी हेल्थ बढ़ी हुई है यहाँ पे। इस साइड चलते हैं अभी के लिए। काफी ज्यादा हेल्थ है। स्मिथिंग स्टोन 4। सोम्बा स्मिथिंग स्टोन 4 क्रॉस नगिन नाटा।
हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है, कोशिश कर दे जल्दी से जल्दी खत्म करने की। यहाँ से ऊपर से हम नीचे आए थे, यहाँ कुछ नहीं है, फिर यहाँ से नीचे चलने हैं। डैमेज तो अलग ही लेवल का है। ओके नीचे अलग रास्ता है, पहले इधर चलते हैं। क्रैक्ड क्रिस्टल, ये तो कुछ नहीं था ना। बच गया, थोड़ा सा पीछे ये गया। हमारे पास लिटरली सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और हमें पूरा करना है डंजन। कोल्ड पिकल फाउल फूड और कुछ तो नहीं बचा ना, लगता तो नहीं। अब नीचे चलते हैं, हमारी हीलिंग लिटरली खत्म है। एक्सप्लोसिव स्टोन क्लंप, ग्रेस मिमिक 5। कुछ भी कहो, रिसोर्सेस तो बहुत ही ज्यादा रिच है, लेकिन हम इस टाइम पे लिटरली मिड गेम तो नहीं, लेकिन हम अपने लेवल से काफी ज्यादा हाई
डंजियन को इस टाइम पे क्लियर कर रहे हैं, इस शॉट की वजह से हम कर पा रहे हैं बस, वरना तो हमारी बैंड बच चुकी होती। बजी भी है हमारी, ऑलमोस्ट हेल्थ खत्म है। ओके ओके हम शायद एलेक्स के अलेक्जेंडर के आसपास आ चुके हैं, छुपते हुए चलेंगे। ये आवाज़ें कैसी हैं? स्मिथिंग स्टोन 4। Sir, where did you spring from? This was supposed to be a dead end, I'm sure of it. What's going on here? A door from thin air? Well, stranger things happen at sea, or so I'm told. But onward to the Caelid Wilds. I suppose my calculations were right all along. You should head this way as well, friend. It's time I set off to the festival at Redmayne Castle on the southern edge of the Scarlet Rot blighted Caelid Wilds. Doesn't the thought just set your heart aflutter? All right, मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये आपका रेडमेन कैसल है। It's time I set off to the festival. Doesn't the ठीक है, अब मेरे ख्याल से यहाँ पे बॉस एरिया है, ट्राई करते हैं। मैग्मा वर्म, नहीं 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 नहीं, मैंने एक चीज रियलाइज की है, हम इसको नहीं हरा सकते हैं। इस लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकते हम। ये पूरा एरिया दोबारा से करना पड़ेगा क्या? अबे यार भागते हैं। स्मिथिंग स्टोन 1। ऑल राइट, आप यहां से बाहर चलते हैं। बाहर चलते हैं यहाँ से, बाद में लड़ेंगे, हमारे बस की ना है। हमें प्रॉपर ऐसे इक्विपमेंट चाहिए जो फ्लेम से ज़्यादा इफेक्ट ना हो,
और हमारे पास ऐसा इक्विपमेंट इस टाइम पे नहीं है। ठीक है, हो इसी के साथ हमने अलेक्जेंडर की क्वेस्ट भी कर ली पूरी। अब बस ये हाइट कैसल बचा है, और फोर्ट हाइट का अगर हम एक बार कर लेंगे कॉन्कर तो हाइट कैसल हो जाएगा, और ये कीनित हाइट करके जो एनपीसी उसका काम भी हो जाएगा हमारा। उसके अलावा उसके बाद हमारे पास सिर्फ मार्गेट बचा है, मार्गेट दी मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ, जो भी है मार्गेट शैकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगली वीडियो के अंदर हम हाइट कैसल के अंदर डेरा डालेंगे, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही, अगर आधे घंटे के अंदर अंदर मेरा काम हो गया तो हम मार्गेट दी फेलोमेन से लड़ाई करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एल्डर रिंग को अगर तुम्हें पसंद आ रही है सीरीज तो यार फॉलो करो उसको अच्छे से, ठीक है, लाइक को दबाओ और ज़रूर शेयर करो, कमेंट करो, यार मज़ा आता है कमेंट पढ़ के तुम लोगों के। चलो यार इतना ही, सायोनारा।